Welcome back everyone. Now we are beginning with question number 2, that is evaluate the progress of commercial banks in India. यानी कि इंडिया में commercial banks की progress को evaluate करिए और explain clearly the role of commercial bank in a developing economy. कि bank क्या role play करता है हमारी इंडिया की developing economy में and also the shortcomings of commercial banks in India and give suggestions to correct them. तो अगर ये तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आंसर ये एक ही होगा जो यहाँ पे दे रखा है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एक्सटेंड लोन टू द हाउस होल्ड्स फर्म एंड गवर्नमेंट. तो बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और फिर इन रिटर्न लोन देते हैं. किस किस को दे सकते हैं? हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को, गवर्नमेंट को, किसी को भी वो लोग लोन दे सकते हैं. बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच ऑपरेट इन मनी, जो कि मनी में ऑपरेट कर रहे हैं. नाउ विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग. नाउ द बैंक्स आर नॉट क्लियर नियरली द ट्रेडर्स ऑफ मनी, दे ऑल्सो क्रिएट क्रेडिट. अब बैंक क्या होते हैं? सिर्फ पैसे का ही बिजनेस नहीं करते, वो पैसे में ही ट्रेडिंग नहीं करते. दे आर नॉट जस्ट द ट्रेडर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो दे आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट. वो क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं. जब मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट चीज़ बताई थी 10,000 से 8,000, 8,000 से आफ्टर दैट अगेन 8,000, फिर 5,000, तो वो अकॉर्डिंगली तब तक क्रिएशन होता जाता है पैसों का जब तक वो जीरो 10,000 वाला अमाउंट क्रिएट होके ज़ीरो पे नहीं आ जाता. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन भी करते हैं. Then comes role of banks in economic development. अब economic development में वो क्या role play करते हैं या फिर क्या shortcomings हैं commercial banks की और उनको हम किस तरीके से correct कर सकते हैं. तो the very first role of bank in economic development is promotion of saving. The basic function of commercial bank is to mobilize the savings and to utilize it in productive investment. ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है? सबसे बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का कि भाई साहब सेविंग्स को मोबिलाइज करो. मोबिलाइज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह. अब लोग क्या करते हैं? लोगों ने 10,000 रुपये कमाए महीने के, 2,000 सेव करके रख लिए, 8,000 खर्च कर दिए. अब वो 2,000 उन्होंने अपने खुद के पास ही सेव करके रख लिए. इन केस अगर वो बैंक को देंगे तो बैंक उनको इंटरेस्ट देगा उन 2,000 पे भी. अल्टीमेटली क्या होगा? पैसा पैसा कमा के देगा. ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं? अब जब बैंक आ गए हैं तो लोगों के पास एक सोर्स है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का, पैसे से पैसा कमाने का. तो प्रमोशन ऑफ सेविंग. अब क्योंकि सेविंग्स पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बैंक उसको यूटिलाइज करता है इन अ वेरी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. वो जब भी किसी में इन्वेस्ट करेगा, बैंक जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ही करेगा रादर देन गवर्नमेंट बैंक्स की मैं बात नहीं करूँगी, जैसे कि SBI जो नीरव मोदी विजय माल्या को दे दिया, सत्यम स्कैम, इवन यू नो एवरीथिंग, इवन इफ के इन केस यू नो दिस. बट क्या होता है ना, गवर्नमेंट बैंक्स क्या कर देती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वीक यूनिट्स हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी उनको लोन दे देती हैं. वी आर टॉकिंग दिस आउट ऑफ टॉपिक, ये आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ. गवर्नमेंट बैंक्स कभी कभी ऐसा करती हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी लोन दे देती हैं सिक यूनिट्स को. विजय माल्या हो गया, एंड विजय माल्या की एयर इंडिया डूब गई थी, एंड नीरव मोदी, सत्यम स्कैम एंड 1992 स्कैम, हर्षद मेहता वाला स्कैम, वहाँ पे सब चीज़ों में यही हुआ है कि गवर्नमेंट बैंक्स ने विदाउट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी लिए लोन दे दिया यूनिट्स को जो कि सिक यूनिट्स हैं जो लॉस में चल रही हैं. अब क्या है ना, उनको लोन दे दिया, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, वो पैसा पे पैसा खाते गए और डुबाते गए, सारा पैसा डूब गया,
ये बेसिकली पब्लिक का पैसा होता है जो कि इस तरीके से डूब जाता है, लेकिन वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एनी अदर काइंड ऑफ बैंक के आगे आके चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है. ठीक है, सो दिस वॉज आउट ऑफ द टॉपिक. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमोटिंग सेविंग. तो बैंक प्रमोट करता है सेविंग्स को लोगों की, क्योंकि हमेशा एट फर्स्ट आप ये देखें तो सबका इंस्टेंट यही कहता है कि बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करेगा तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ही होगा. नाउ बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बैंक्स प्रमोट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग इन द सोसाइटी. देन कम्स कैपिटल फॉर्मेशन. तो अब बैंक कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए हमने हमारी सेविंग्स बैंक को दी, बैंक ने उन सेविंग्स को एज अ लोन कमर्शियल्स यूनिट्स को या बिजनेसमैन को इंडस्ट्रियल लिस्ट को दिया. अब उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, लोन ले लिया और उस पैसे को खर्च किया इंडस्ट्रीज बनाने में, बिजनेस करने में. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर वो बिजनेस करने में पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन होता है इकोनॉमी में. देन कम्स फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. ये भी वही चीज़ है कि बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. नाउ मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनको तो भाई साहब बहुत सारा कैपिटल चाहिए. द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज बाय गिविंग टर्म लोन्स. तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी और लार्ज इंडस्ट्रीज को भी लोन देते हैं. नाउ बैंक्स कलेक्ट स्कैटर्ड स्मॉल सेविंग इन द सोसाइटी एंड यूटिलाइज दिस अमाउंट बाय गिविंग लोन्स टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड गवर्नमेंट. फोर्थ पॉइंट कम्स एज मोबिलिटी ऑफ कैपिटल. तो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या होता है, देखिए आज मैं हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव है, मुझे मेरी सेविंग्स कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन बैंक को पता है तो मैं मेरा पैसा जाके बैंक को दे दूंगी. और ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, उनको ये नहीं पता है कि कौन सी इंडस्ट्री, अभी मैं इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करूँ, एनालाइज करूँ तो मुझे पता भी चलेगा, लेकिन जो लोग स्टडी नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, बैंक को अपना पैसा दे देते हैं. बैंक पैसा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देती है. तो ये क्या हुआ, मोबिलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ कैपिटल हुआ. देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम एंड प्राइस स्टेबिलिटी. तो बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. अब बैंक के बारे में मैंने कहा था कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, ठीक है. जैसे कि मैंने 10,000 रुपये दिए थे बैंक को, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि लास्ट टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, मैंने यही एग्जांपल दिया था. मैंने 10,000 रुपये दिए बैंक को, बैंक ने 20% रख लिए और बाकी के 8,000 लोन पे चढ़ा दिए. लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि बैंक अगर किसी से डिपॉजिट ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका 50% ही लोन पे चढ़ाएगा. जैसे कि मुझसे 10,000 लिए तो 5,000 रखेगा, कैश करके रखेगा और बाकी 5,000 ही लोन पे चढ़ाएगा. तो इससे क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई. अब 5,000 इसको लोन पे दे दिए, ये किसी और के बैंक अकाउंट में आए, इसने 5,000 अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, क्योंकि हमारे दो अजम्पशंस थे कि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू ही हो रहे हैं, ठीक है. तो 5,000 इसने जो लोन लिया उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए. अब उसने जब वो 5,000 एक्सपैंड करे तो वो किसी और के बैंक अकाउंट में गए, फिर उसके बैंकर ने क्या किया, 5,000 का भी 50% रखा, यानी कि 2,500, और 2,500 को किसी को लोन पे दिया. तो इस तरीके से आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि वो क्रेडिट क्रिएशन का भी काम करते हैं. प्राइस स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन बाय बैलेंसिंग बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ मनी मेंटेन्ड रहती है डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करते हुए. देखिए डिमांड ऑफ मनी भी हम पढ़ चुके हैं, सप्लाई ऑफ मनी भी हम पढ़ चुके हैं. डिमांड ऑफ मनी क्या होती है कि भाई साहब आज मेरी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है, यानी कि मेरे पास इन केस 50,000 मेरी सैलरी है, जिसमें से 40,000 मैं खर्च कर देती हूँ, 5,000 सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखती हूँ और बाकी के 5,000 मैं
सेविंग पर्पस के लिए रखती हूँ। ठीक है, तो ये होती है डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी में क्या होता है, तीन फैक्टर्स होते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है डिमांड ऑफ मनी की, लेकिन जहाँ तक आपको पता होना चाहिए दैट इज डिमांड ऑफ मनी में तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कि आप अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ मीट करने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हो, दूसरी चीज़ आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कितने पैसे रख रहे हो, और द थर्ड पॉइंट इज आप सेविंग पर्पज़ के लिए कितने पैसे रख रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी क्या था, कि बैंक कितने पैसा क्रिएट कर रही है, 10,000 के पहले 5,000 किए, 5,000 के फिर 2,500 किए, 2,500 के फिर उसके बाद अलग किए, तो 50% अलग कर करके बैंक जो सप्लाई क्रिएट कर रही है इकोनॉमी में, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइज कर सकती है और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकती है मॉनेटरी सिस्टम में बैंक्स। देन कम्स रेमिटेंस फैसिलिटी। तो रेमिटेंस फैसिलिटी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ाई थी, बताई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बैंगलोर पैसे भेजने हैं, या फिर मेरे फादर यहाँ पे हैं, मैं बैंगलोर में स्टडी कर रही हूँ, उनको मेरी फीस पे करनी है, उन्होंने बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर दिए। हेल्प्स इन पब्लिक फाइनेंस। तो बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डेट। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। दे कलेक्ट फंड थ्रू सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक। तो बैंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कलेक्टिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डेट्स। यानी कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक से लोन ले रही है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट ही लोन देती है, गवर्नमेंट कभी कभी लेती भी है, पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं गवर्नमेंट डेट्स में, तो गवर्नमेंट ने लोन लिया तो बैंक इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैंक रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइज़र भी हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिव कैसे, एजेंसी फंक्शंस या जनरल फंक्शंस परफॉर्म करके, एडवाइज़र एडवाइस करके, एडवाइस वो गवर्नमेंट को कर सकती है, ट्रेडर्स को कर सकती है, हाउस होल्ड्स को कर सकती है, फर्म्स को कर सकती है, इंडस्ट्रीज़ को कर सकती है, एंड ऑल्सो इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बैंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कर सकती है, भाई साहब बैंक जब लोन दे दे के इंडस्ट्रियलिस्ट को एंड कमर्शियलिस्ट को फैसिलिटेट कर सकती है बिजनेस करने में, बिजनेस को प्रमोट कर सकती है, तो जब बिजनेस को प्रमोट किया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अल्टीमेटली प्रमोट हुआ। अब बात आती है फाइनेंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स। देखिए कुछ एक प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, तो बैंक इनको ज्यादा लोन देती है विद अ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन कम्स इनोवेशंस। एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट ब्रिंग इनोवेशंस ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट बैंक क्रेडिट। द बैंक शुड देयरफॉर पे स्पेशल अटेंशन टू द फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस इनोवेशंस। बैंक इनोवेशन फैसिलिटेट करने में भी हेल्प कर सकती है। देन प्रमोशन ऑफ साउंड बैंकिंग सिस्टम। एक साउंड बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, एक साउंड बैंकिंग सिस्टम ये होगा विद मिनिमल और जीरो फ्रॉड्स। जैसे कि ये जो नीरव मोदी विजय माल्या वाले फ्रॉड्स और स्कैम्स हुए हैं, ये नहीं हो तो हमारी कंट्री का एक साउंड बैंकिंग सिस्टम होगा। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल्स। अब क्या होता है, बैंक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। भाई आज मेरे बहुत ही महंगे गहने हैं, ठीक है, ज्वेलरी है, मैं उनको अपने घर पे सेफली नहीं रख पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है चोरी होने का, तो मैं क्या करूँगी, बैंक को जाके दे आऊँगी। बैंक के पास इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाले लॉकर्स होते हैं, कोई उनको तोड़ नहीं सकता, कोई वहाँ से चीज़ें चुरा नहीं सकता, तो बैंक ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। देन कम्स एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो क्या प्रोग्रेस रही है कमर्शियल बैंक्स की इंडिया में। द वेरी फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। तो जब हम पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दिस जनरली मीन्स कौन सी बैंकिंग, जो कि गवर्नमेंट की है।
The most important trait of banking of independent India has been the nationalization of banks. Now, in 1948, Reserve Bank, and in 1955, Imperial Bank was nationalized. ठीक है, 1948 में कौन सा बैंक नेशनलाइज हो गया था यानी कि नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, दैट इज रिजर्व बैंक, और 1955 में इंपीरियल बैंक. नाउ लेटर ऑन 19 जुलाई 1969 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री वर नेशनलाइज, यानी कि ओवरऑल नेशन में काम कर रहे थे, उनकी हर जगह ब्रांचेस थी, सब जगह काम कर रहे थे. इन अप्रैल 1986 अदर बैंक्स वर टेकन विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द नेशनलाइजेशन. नाउ दिस वे द इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूज बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, अभी आप देख लीजिए, ICICI है एंड सिमिलरली बेसिकली HDFC बैंक है, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये हर जगह आपको मिलेंगे, यानी कि इनकी ब्रांचेस हर जगह आपको मिलेंगी. ब्रांच एक्सपेंशन, नाउ द ब्रांच एक्सपेंशन इन द बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन डन विद सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट स्पीड. तो जो ब्रांचेस की एक्सपेंशन है कि HDFC की भी ब्रांच हर जगह मिलेगी, यानी कि एक सिटी में भी जगह जगह पे ब्रांचेस हैं, ICICI के मानसरोवर में है एंड जौहरी बाजार एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, HDFC के भी हर जगह ब्रांचेस हैं. तो ये जो ब्रांच एक्सपेंशन है बहुत ही फास्ट स्पीड, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट स्पीड से इसका एक्सपेंशन हुआ. बैंक अमलगमेशन, बैंक अमलगमेशन क्या होता है कि भाई साहब एक बैंक अगर डूब रहा है तो दूसरे बैंक ने उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज एक्वायर कर ली. ठीक है, दूसरे बैंक ने उसको एक्वायर कर लिया, या फिर दोनों बैंक एक साथ आके काम करने लगे. दो बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंक, दोनों में से कोई या फिर कोई एक बैंक भी डूब रहा है तो ये दोनों साथ आ गए कि अब हम लोग साथ आके काम करेंगे, हमारी असेट्स एक होंगी, हमारे फिनेंशियल्स एक होंगे, हमारी लाइबिलिटीज एक ही होंगी. तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बैंक एक वीक बैंक को होल्ड कर रहा है तो वो उसको रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है. अब वो जो सिक यूनिट है वो प्रॉपरली एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है. देन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में भी बैंकिंग का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपेंशन हुआ है. अकॉर्डिंग टू न्यू ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी, ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज इज मच एम्फिसाइज, दिस हैज़ चेंज द कम्प्लीट कैरेक्टर ऑफ इंडियन बैंकिंग, नाउ इट हैज़ बिकम विलेज ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ सिटी ओरिएंटेड. ठीक है, अब बैंक्स कैसे हो गए हैं विलेज ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ सिटी ओरिएंटेड. 1812 ब्रांचेस हैं रूरल एरियाज में, इन 1969 थी, लेकिन अब वो इंक्रीज होके 46,976 ब्रांचेस हो गई हैं इन जून 2014. If these are kept as percentage of rural branches, तो देखिए 22.2% से लेके 38.7% branches में increase हो चुका है rural areas में. Rise in deposits हो गए हैं, ये proper statistics हैं, ₹909 crores by the end of 1951, लेकिन June 1969 में ₹3897 crore की deposits bank के पास पड़े हैं. Credit facilities, भाई साहब क्रेडिट फैसिलिटीज़ में एक ट्रिमेंडस इंक्रीज आया है इन द लोन्स एंड एडवांसेस डिस्पर्स्ड बाय बैंक्स आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969. अपार्ट फ्रॉम बैंक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सोर्सेज ऑफ बैंक्स, लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर आपको बता चुकी मैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस. Now, after the failure of Pallai Central Bank and Lakshmi Bank in 1960, the confidence of public towards bank in India was deeply shaken. ये दो बैंक थे, इन ये दोनों बैंक फेल हो चुके. After the failure, अब पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया, यानी कि अब उनको बैंक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा. तो इसको स्टॉप करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बैंक्स के थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. DICGC को लाया गया, ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है. इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st जनवरी 1962. अब इस
कॉरपोरेशन का क्या मेन मोटिव था? वॉज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द मनी डिपॉजिटेड बाय स्मॉल डिपॉजिटर्स. नई नई अट्रैक्टिव स्कीम्स लाई गई, सोशल बैंकिंग शुरू की गई, साउंड मैनेजमेंट किया गया, टेक्नोलॉजी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई. जैसे कि आजकल तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, हमारे पास पेटीएम वॉलेट्स हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी हमें डिजिटल पेमेंट करना हो हम कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट मैकेनाइज्ड क्लियरिंग हाउस. मैकेनाइज्ड क्लियरिंग हाउस क्या होता है? देखिए, सब कमर्शियल बैंक्स को अपना अपना कुछ परसेंटेज ऑफ कैश या गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ सिक्योरिटी रखवाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि बैंक आउट ऑफ कैश हो जाए या फेल हो जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प कर सके. तो हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ ना कुछ रखवाना होता है. इन केस अब अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दो बैंक से, तो वो उनकी असेट्स में से एडजस्ट कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को. ये होता है मैकेनाइज्ड क्लियरिंग हाउस. कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवा दी है. डेवलपमेंट ऑफ बिल कल्चर. नाउ बैंक्स हैव पेड अटेंशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बिल पेमेंट वर्क्स टू. बिल कल्चर एक आ चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, फ़ोन का बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, तो ये सारे में पहले क्या होता था, आपको लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता था, अभी आप बैंक के थ्रू कर सकते हो. ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसे कि ATM मशीन्स, आपको कहीं भी अपने बैंक से पैसे निकालने हो, ATM मशीन्स के थ्रू आप कैश विड्रॉ कर सकते हो. हर जगह ATM मशीन्स अवेलेबल हैं. इंटरनेट बैंकिंग, जैसे कि RTGS, NEFT, IMPS, इनके थ्रू आप पेमेंट्स फैसिलिटेट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. अब बात आ रही है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन कमर्शियल बैंक्स में? द वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ ह्यूमन पावर. यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर ग्रोइंग फास्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को तो अच्छे से अपनाया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन पावर इतनी अच्छी खासी नहीं है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, इतनी ट्रेंड और एफिशिएंट नहीं है कि लेटेस्ट ट्रेंड से कोप अप कर सके. Then comes inadequate capital and deposits. Now, one of the obstacles in the development of Indian commercial bank is inadequate capital resources. Inadequate capital resources hain. They are not having their own resources, and at the same time, due to lack of public confidence, bank could not mobilize resources on a large scale. तो ये इशू बेसिकली आ रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस इनएडिक्वेट कैपिटल के वजह से बैंक को फेस करना पड़ रहा है. देन रूरल एरियाज़ को नेगलेक्ट किया जा रहा है, लो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक के पास, लो प्रॉफिटेबिलिटी है कि भाई साहब उनको क्रेडिट दे देते हैं लोगों को, लेकिन क्रेडिट का वो प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, पे नहीं कर पाते हैं, बैंक लॉस में चले जाते हैं. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे? नरसिम्हम कमेटी 1991 हैज़ रिवील द मोस्ट सीरियस डैमेज टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जब सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक सेक्टर बैंक डैमेज हो रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस क्रेडिट डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा है. पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को फेवर करने के हिसाब से डिसीजन लेती है. जैसे कि ऐसा सुना जा रहा है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, सुना जा रहा है कि मोदी सरकार अंबानी के बिजनेस को प्रमोट करती है, उसी के रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं. तो इट्स जस्ट रूमर कह सकते हैं या व्हाटएवर, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ. The center and states directed banks to continue to extend credit to sick industrial units, often against their better commercial judgment. Now, as a result of all these instruction, advice and direction, public sector banks have suffered NPAs. NPAs यानी के non-performing asset. आप किसी को लोन दे देते हो, अगर वो बिल्कुल insolvent हो जाता है, आपने किसी को लोन दिया और वो सामने वाला insolvent हो गया, उसकी सारी properties सब कुछ बिक गया, उसके पास पैसा नहीं बचा आपको पे करने का, तो वो क्या हो जाता है? Bad debts यानी के non-performing asset. Securities scam of 1992, हर्षद मेहता वाला scam, इसमें क्या हुआ था? सीरियस वीकनेस आ गई बैंकिंग सिस्टम में, इसकी वजह से स्कैम रिफ्लेक्टेड द डेलिबरेट एंड क्रिमिनल वायलेशन ऑफ
rules and procedures with the intention of defrauding the banks. Bank को defraud किया गया. Forced investment. तो government issues certain securities to run its business and banks are compulsorily required to invest in those low profitable securities. तो government ने क्या कहा गया है कि नहीं भाई साहब, इसमें आपको invest करना ही करना है जो कि profitable भी नहीं है. तो यहाँ पे banks थोड़ा सा lack कर जाते हैं. Subsidization of credit. Now due to government concessional rate of interest to the priority sectors, burden आ जाता है उनको subsidy देने का, जिससे bank लॉस में जाते हैं. अब क्या हो सकता है, सजेशंस या रेमेडियल मेजर्स इन प्रॉब्लम्स के लिए. रिक्रूटमेंट ऑफ वेल एजुकेटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज. वेल एजुकेटेड एम्प्लॉयज होने चाहिए बैंक में. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन्स होना चाहिए. रिडक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ बिग इंडस्ट्रियल बिजनेस हाउसेज, जैसे कि बिग इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ पे टाटा बिरला एंड रिलायंस है, ऐसे करके जो बड़े बड़े लोग हैं बैंक्स पे अगर कोई प्रेशर डालते हैं तो उसका रिडक्शन होना चाहिए. इंक्रीज इन कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज होना चाहिए. एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज भी होना चाहिए. इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इफेक्टिव ऑडिट एंड इंस्पेक्शन. ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से क्या होगा, अगर बैंक के अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है तो वो पकड़ में आ जाएगा. रिव्यू ऑफ ओल्ड बैंकिंग लॉस. तो इन सब के थ्रू हम हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रोग्रेस इंडिया में अच्छी कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.